हेलो 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 डियर ट्रेंड्स आज हम हाईवे इंजीनियरिंग के एम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो लोग पिछले कई क्लास में मेरे साथ हाईवे इंजीनियरिंग सीख रहे हैं डिटेल क्लास अलग अलग कोर्स वाले जैसे कि एस वाले हो सकते हैं आर वाले हो सकते हैं या पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले हो सकते हैं तो आपको तो कुछ ज़्यादा ही फील होने वाला है इस क्लासेस में बट फिर भी जो लोग अभी तक नहीं भी पढ़े मान लेते हैं तो उनको भी पूरा फील कराने की कोशिश कराई जाएगी मतलब कि हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा हर एक एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा हाईवे हाईवेज का आज जो हमारा क्लास है पहली बात तो आपको बता दें कि हम लोगों ने तीन तीन दिन का प्रोग्राम रखा है जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा तीन तीन दिन का मतलब है कि सुबह नौ बजे मेरी क्लास का जो टाइम रहेगा ऑब्जेक्टिव क्लास की बात कर रहा हूँ नौ बजे से लेकर साढ़े दस लगभग एक डेढ़ घंटा हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथ जिसमें केवल प्योरली ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी ये आपका यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें कोई चार्ज नहीं है नौ से सवा दस साढ़े दस तक ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी सब्जेक्ट वाइज रहेगी कहने का मतलब है मैं पहले तो खैर शुरुआत किया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग से हाईवे इंजीनियरिंग में भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जैसे कि अलग अलग चैप्टर में अभी आपको बताऊँगा जब आपका हाईवे इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 करते तक जैसे कि एस एस एग्ज़ाम आ रहा है आर आर बी तो उन उस एग्जाम तक आपका लेवल बहुत अच्छे से हो जाएगा और जो लोग हमारे साथ थ्योरी भी सीख रहे हैं और थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा है ना तो ये तो हो गई बात ऑब्जेक्टिव क्लास मेरी वाली दूसरी क्लास जो केसी सर लेंगे मतलब कि मेरी क्लास तीन दिन चलेगी हफ्ते में मतलब कि सोमवार मंगल और बुधवार सुबह नौ बजे ठीक ऑब्जेक्टिव क्लास उसके बाद जो के सर लेंगे अगले तीन दिन मतलब कि बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार इन तीन दिनों में के सर ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे फिर आप कहो यूट्यूब में और ये क्लास होगी दोस्त शाम को आठ बजे रोज शाम को आठ बजे बृहस्पति शुक्र और शनि को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाइव इंजीनियरिंग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बस केवल सिलेबस आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टारगेट यह है सबसे पहली बात तो जो है हमारी यह जो ऑब्जेक्टिव क्लास है ये सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं अब ऐसा नहीं है कि केवल हम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं या केवल आरआरबी को कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है देखो अगर आप एसएससी को दिल से तैयारी कर रहे हैं दिल, दिल से, तो देखो एस एस सी का पी वाई को तो करना ही पड़ता है और एक लेवल और बढ़ाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तो वो भी हमने रखे तो कहने का मतलब है जो भी लोग इस क्लास को बहुत ईमानदारी के साथ देखेगा उसका लेवल अपने आप में बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा वट वो आपका जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए ठीक है सबके लिए फ़ायदा करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्वेश्चन मेरा रहेगा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि रोड डेवलपमेंट और प्लानिंग वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इवन आज का जो क्लास है वो सारा का सारा इसी पर है इसी पर आधारित क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन पर दूसरा जो चलता है ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्वेश्चन आएंगे दूसरा हम जो पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन इस सब टॉपिक के पढ़ेंगे तीसरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करवाएंगे आपको पेवमेंट डिजाइन कराएंगे और हाईवे मटेरियल कराएंगे तो चलिए आज क्योंकि पहली क्लास है आज क्योंकि पहली क्लास है तो आपको ये बताना सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोग जो मेरी क्लास होगी या सर की क्लास होगी हमारा जो सोर्स होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखने का हमारी जो पीपीटी है पीडीएफ में तीन तरह के सोर्स हैं जैसे कि आज भी आप देखेंगे पहला सोर्स है कि एस एस सी जेई के पी वाई क्यू मतलब कि जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनमें हमारा पहला सोर्स रहेगा एस एस सी जेई का पीवाई क्यू ठीक है एस एस सी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे इंट्रोडक्शन वाले जैसे ये ज्योमेट्रिक डिजाइन है तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में एस एस सी में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो सब हमारी पीपीटी में दिखेंगे उनको सॉल्व कराएंगे पहला सोर्स दूसरा सोर्स रहेगा थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम आप सब लोग जानते होंगे है ना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम सबसे टफ एग्जाम होता है ई एस सी सेंट्रल लेवल का तो उसके भी क्वेश्चन रखे हैं लो टू मॉडरेट लेवल के हाई लेवल की जरूरत नहीं है तीसरा एक और सोर्स रहेगा पहला हो गया एस एस सी दूसरा हो गया आपका ई एस सी मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और तीसरा एक और सोर्स है जिससे कि आपका कंप्लीट चैप्टर में पोस्टमार्टम हो जाएगा और वो होता है गेट एग्जाम अब आप सोचेंगे गेट एग्जाम की क्या जरूरत है यहाँ पर बिल्कुल जरूरत है आप देख रहे होंगे दोस्त अभी यूके पी जेई का रिजल्ट आया है आपके सामने है तो इससे ये साबित हो चुका है कि आपको लेवल अपना खुद बढ़ाना पड़ेगा अब आप दूसरे के साथ लड़ाई करने नहीं जा सकते कि कट ऑफ इतना गया ये हो गया खुद अपना लेवल इंक्रीज करो अपने आप को इस कदर बनाओ कि आपको कोई तोड़ ही ना पाए ठीक है तो बनाते हैं हमारे साथ चलते चलो आप तो चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन आज की क्लास का और वो है आई एग्जाम का ये दो के करीब आया था ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये अभी नया आ सकता है एस वगैरह में तो जो भी लोग लाइव हैं या जो लोग तुम लोग देख रहे हैं भाई तुरंत क्वेश्चन आंसर करने का पूरा दिमाग को बुद्धि को पूरा एकाग्र करके अपना जितना भी तुमने पढ़ा है क्योंकि तुम लोगों ने तो पढ़ा पढ़ ही लिया है ना जिन लोगों ने जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है अपने बुद्धि को पूरे एकाग्र करके पूरी कोशिश करो कि हाँ, हाँ हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हालांकि मैंने तो देना ही है ठीक है ना तो पूरी कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप खुद से अपने मन से दे पाए तभी आपका फायदा है क्लास में रहकर विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैंने जो पीडीएफ बनाई है अपनी सारा का सारा अंग्रेजी में है लेकिन आप तो जानते हैं कि जो मेरी अंग्रेजी होती है पूरी हिंदी की तरह होती है और मैं समझा दूंगा इसका कहने का मतलब यह है जो ऊपर लिखा है क्वेश्चन क्वेश्चन इज दैट क्रोनोलॉजिकल शब्द का मतलब है कि आपको सीक्वेंस में बताना है कि पहले कौन सा पैटर्न आया होगा फिर कौन सा पैटर्न आया होगा फिर कौन सा पैटर्न आया होगा मतलब कि सबसे पहली बात किसने की रोड के डेवलपमेंट के लिए फिर क्या किसके बाद फिर मतलब ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सीधे सीधे मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है कंस्ट्रक्शन की डिजाइन या डेवलपमेंट जो भी कहें तो बताइए क्या आंसर होगा भाई बी होगा बी बोले तो ये ट्रेस कैट फिर टेल आया फिर कौन आया मैकेडम आया और फिर आया exactly. कर, ये मैं आपको अभी सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सही जवाब किया है सबसे पहले ट्रस्ट फिर टेलफोर्ड आया अच्छा इससे पहले भी कुछ आया था ट्रेस से पहले क्या बोलते थे उसको रोमन रोड जो कि आपका ईसा पूर्व की बात है है ना बिफोर दी बर्थ ऑफ व्हाट जीजस क्राइस्ट है ना चलिए कैट तो ट्रेसगार्ड से भी पहले रोमन रोड होता है वो आपको हालांकि एग्जाम में नहीं दे रखा था रोमन रोड मैं सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपका टेंशन ना लो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका तो रोमन रोड के बाद ट्रेसगढ़ फिर यहाँ पर एक मेटकॉफ भी आता है फिर टेलफोर्ड मेकाडम ये सीबीआर का मतलब होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो हम लोग जब पेमेंट डिजाइन पढ़ेंगे तो वहां पर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो कि फ्लेक्सीबल पेमेंट जिसको हम कहते हैं विटमिनस की रोड उसको बनाने का एक मेथड आई है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड बी ऑप्शन इज करेक्ट यहां पर देखिएगा बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया मैंने आंसर भी मार्क कर रहे हैं अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो भविष्य में अगर भूल जाते हैं क्वेश्चन तो इस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा आंसर पूरे मार्क किए हुए मैंने आपके लिए इसकी पीडीएफ डी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर कभी भूल जाते हैं तो फिर से देखने के लिए होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिजाइन हो रखे हैं चलिए एस एस सी जे में आ रखा था ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन है बहुत नया क्वेश्चन है बहुत पुराना नहीं है नया नया ही देख लो आप कुछ ही साल पहले इन विच वन ऑफ द फॉलोविंग रोड कंस्ट्रक्शन द फिनिश्ड सरफेस लेयर ऑफ द पेवमेंट इज गिवन अ क्रॉस स्लोप ऑफ वन इन फोर्टी फाइव अब इस क्वेश्चन के साथ मेरे को थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ये जो स्लोप था और साथ ही साथ पीछे जो मैं आपको पैटर्न बता रहा था कि कौन सा पैटर्न कब आया कौन सा डेवलपमेंट प्लानिंग कब आया वो सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ इसके बाद पहले इसका जवाब करो दोस्तों आपको याद है दो एक तो ये आ रखा है भाई दो में और आपको याद होगा शायद दो में एक और क्वेश्चन आ रखा है चाहे तो आप पेपर देख लेना 2021 में आ रखा है कि वन इन थर्टी सिक्स जो स्लोप है क्रॉस स्लोप रोड की जो स्लोप है हर एक लेयर में वो किसने कंसीडर किया है तो यहां पर बताइए पहले तो इसका बताइए वन इन फोर्टी फाइव किसने कंसीडर किया है ये किया है टेल कंस्ट्रक्शन वेरी गुड तो टेल्फोड ने ये जो है यहाँ पर स्लोप रखा था स्लोप रखने से क्या होता है अगर आप रोड में स्लोप रखते हैं तो आपका पानी इजिली ड्रेनेज हो जाएगा और रोड की क्षति कम होगी ठीक है मैकेडम साहब ने बाद में जिसको वन इन थर्टी सिक्स करा था ये किसका मेथड है जी मैकेडम साहब का तो मैकेडम का आपका वन इन थर्टी सिक्स बट टेलफोर्ड की बात किया जाए तो वन इन फोर्टी फाइव तो याद रहेगा चलिए थोड़ा सा ये रिवाइज कराते हैं मैं यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ इसका आंसर हो जाएगा सभी लोगों ने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन सही का है अब देखो डेवलपमेंट ऑफ द रोड का जब हम सब लोग सभी लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं तो देखो क्या होता है सबसे पहली बात होती है रोमन रोड की सबसे पहली बात होती है रोमन रोड की रोमन रोड वो रोड है जो सबसे पुराने बहुत पहले के समय की बनती थी अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बनती थी पूरा का पूरा पत्थर बिछाया जा रहा नीचे भी ऊपर भी है ना ये पैटर्न याद रखना भाई ये भी ऑर्डर पूछा गया है ना पीछे भी ऐसा ही याद भी रखना है ट्रेस फिर आया फिर बीच में एक मेट कॉफ करके भी आया फिर टेलफोर्ड आया फिर आया मैकडम है ना और फिर सीबीआर वगैरह तो 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 ये आपका ऑर्डर याद रखना जैसे रोमन रोमन रोड रोड की की बात बात किया किया जाए जाए ना बंद तो नहीं हुआ सर तो ड्रॉबैक क्या क्या थे बताइए रोमन रोड में एक तो सबसे बड़ी जो बात कर रहे थे ये बड़ा बड़ा स्टोन लगा रहे थे नीचे और ये कॉन्सेप्ट बाद में किसने इसको दरकिनार किया मैकेडम साहब ने याद आ रहा है कुछ क्या बताया था है ना बड़े बड़े फाउंडेशन नीचे लगा के कोई फायदा नहीं उसको कॉम्पैक्ट करो और यही काम जो है बाद में मैकेडम ने किया क्रॉस स्लोप का कोई जिक्र नहीं है ड्रेनेज के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो ये सारे ड्रॉबैक थे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रोमन रोड में कुछ ऐसे ही कर रहे थे देखो कितना मोटा मोटा लेयर है इतना सारा क्वेरिंग करना पड़ेगा पत्थर तोड़ फोड़ करके इतना पत्थर लगा रहे हैं इतना लगा रहे हैं इतना लगा रहे हैं इतना लगा रहे हैं है। तो ये तो हो गया रोमन रोड ऐसा कुछ बन रही थी ये देखिएगा ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पत्थर का ही पत्थर आपका यूज हो रहा हर जगह तो इसमें और कुछ नहीं सबसे पहली बात तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी जितना सारा जो है इतना तो सदियों बीत जाएंगे बनते बनते खैर बाद में मैकेडम की रोड हमारे पास आई तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमें मिला आगे देखते हैं ट्रेसगढ़ सत्रह में आया ट्रेसगढ़ ने सत्रह में रोड पर बनाने की बात करी इसने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया पत्थर तो वैसे ही नीचे से नीचे लगा रहा था पत्थर वही लगा रहा था लेकिन थोड़ा सा नालिया नूलिया बनाना ना, स्टार्ट कर दिया लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा काम नहीं किया गया इम्पोर्टेंट उसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में मैंने एक चीज़ मार्क किया है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है और एस में तो ये बात पूछी ही जा रही है कौन सा सर कौन सा पॉइंट ये वाला वन इन वन इन फोर्टी फाइव का मतलब कि पैंतालीस पर एक का स्लोप ये देख पा रहे हैं आप ठीक है लेकिन अभी भी आप देखेंगे इसमें देखेंगे अगर इस को आप देख रहे हैं तो अभी भी बड़े बड़े पत्थर वैसे है क्या बड़े बड़े जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन जिसको कह रहे हैं ये 1803 में आया देखो ना सन के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास चौथा मैकेडम मे मेथड आया ये वाला इसमें सबसे पहली बात तो क्या की इन्होंने ये सबसे पहला पर्सन हुआ इसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भैया हमारे पास अगर आप चार लेयर बना रहे हैं आपको याद भी होगा कौन सौन सी लेयर थी नीचे कौन सी होती है सोइल सबग्रेड लेर सोइल सबग्रेड ठीक है ना जिसको आप कॉम्पैक्ट करते हैं कॉम्पैक्ट करने से मैंने आपको सिखाया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम जितना आप वॉल्यूम घटाओगे जिससे रोलर की मदद से ये है मिट्टी है इसका वॉल्यूम जितना घटाओगे रोलर की मदद से अलग अलग रोलर लगाओगे तो डेंसिटी क्या होगी पैक्ड होगी सोइल मजबूत होगी इसके बाद एक लेयर आप बचाते हैं जिसको जीएसबी लेयर कहते हैं ग्रेनुलर सब बेस लेयर या इसी को कहते हैं आप सब बेस कोर्स इसमें आप सोइल के साथ क्या करोगे एग्रीगेट को रोल करोगे उसके बाद एक आपका डब्लू एम एम लेटर मिक्स लेयर ठीक है इसको हम खैर पेमेंट डिजाइन में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे केवल सुनते रहो यहाँ पर जिसमें आप एक एग्रीगेट के साथ विटमिनस भी यूज करते हो यहाँ पर आपके प्राइम को, को पढ़ना शुरू हो जाते हैं फाइनली आपका जो है विटमिन के साथ आपका एग्रीगेट यूज होगा और आपका फाइनल लेयर बनेगी जिसको हम बोलते हैं सरफेस लेयर या pavement layer. और like, फाइनलीरेग्यर तो uh, से ठीक है? तो है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्या दिया था किसी को याद है कॉन्सेप्ट क्या दिया था बताओ कॉन्सेप्ट क्या दिया था बोलो यहाँ पर अगर व्हील का लोड है तो ये व्हील का लोड ऐसा डिस्पर्स होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है तो एरिया ऑफ डिस्पर्सन आपका नीचे इस लेयर में चौथी लेयर है घट रहा है या बढ़ रहा है एरिया आपका इस आते आते बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा घटेगा तो यहाँ आपको उतना केवल कॉम्पैक्ट करो स्वाइल को स्वाइल की डेंसिटी बढ़ाओ सबसे मजबूत और सबसे अच्छे क्वालिटी का जो लेयर बनाएंगे किसको बनाएंगे टॉप वाले को बनाएंगे ठीक है ना यही तो पहले वाले में ली सबसे पहले में क्या है सबसे ज्यादा प्रेशर है इसको ज्यादा मजबूत करेंगे तो यही चीज कॉन्सेप्ट इसने दिया था साथ ही साथ वन इन थर्टी सिक्स का ये देखो वन in थर्टी सिक्स का क्या किया इसने स्लोप भी दे दिया टॉप सरफेस में केवल टॉप सरफेस आल्सो ठीक है तो ये है जी आपके पास कहानी मैकेडम की यहीं पर मैकेडम का ही स्वरूप है मैकेडम का ही दाई भाई है कौन है जिसको बोलते हैं आप डब्ल्यू बी रोड और ये कुछ और नहीं है सर ये डेफिनेशन से आपको समझ आएगा डब्ल्यू बी एम कंस्ट्रक्शन नोन आफ्टर द मैकेडम टेक्निक जब मैकेडम टेक्निक आया तो वही सबने सीखा था इसके बारे में क्या है देखो मतलब कि जो एग्रीगेट है broken stone of the base course. Base course आनते हैं, सब बेस के ऊपर, दोनों की बात हो रही है। कुछ नहीं है जी अगर आपका सब बेस कोर्स का या सरफेस कोर्स का जो एग्रीगेट है वो आपका मिक्स हो रहा का है ब्रोकन स्टोन बिल्कुल डस्ट के साथ स्टोन के डस्ट के साथ कुछ पानी के साथ तो बस वो बन गया रोड हम लोग करते हैं ये काम जनरली यही काम होता है, और नया है 2023. तो इसलिए ये बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ आपके लिए कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं थ्योरी जो मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं आजकल तो वो सब काम की चीज है ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप दरकिनार करें सब चीज इंपॉर्टेंट होगा जो भी पढ़ा रहा हूं आपको डिटेल में ठीक है आप देखेंगे 2021 में आ रखा तुरंत जवाब आ जाना चाहिए बताओ क्या होगा द इंडियन रोड कांग्रेस आई आर सी वॉज फाउंडेड इन इन द ईयर कब उन्नीस चौतीस ना इसके अलावा कोई किसी का जवाब हाँ तो 1934 बिल्कुल करेक्ट जवाब है लेकिन हम पूरा का पूरा रिवाइज कराएंगे ये बिल्कुल सही जवाब है इसका क्योंकि आज हमारा यही चैप्टर है इसी पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं तो सत्ताईस में नवंबर की बात है जब कमेटी सबसे पहले फॉर्म्ड भी प्लानिंग इन इंडिया। भारत में हाईवे डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए पहली कमेटी क्या नाम है इसका जयकर कमेटी उन्नीस में लेकिन उसके जो रिकमेंडेशन आने शुरुआत हुए एक्चुअल में फॉर्मेट हुआ तो वो उन्नीस में हुआ फरवरी की बात है फिर आया सी आर एफ उन्नीस सौ उन्तीस में अगले एक साल बाद सी आर एफ सेंट्रल रोड फंड सारे सन याद करने भाई ज्यादा तो यही पूछा जा रहा है इंडियन रोड कांग्रेस क्योंकि भारत में इसी के सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन चलते हैं इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में आई आर सी का इंडियन रोड कांग्रेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली उसके बाद आया मोटर व्हीकल एक्ट आपने देखा होगा कि चालान होता है जैसा आपका किसी भी चीज का चालान होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है ना एक एक्ट है जो इसके तहत होता है तो चलिए खैर 1943 से उन्नीस में अगली एक इंपॉर्टेंट घटना होती है कौन सी सर ये 20 साल का प्लानिंग है क्या लेकिन 20 साल का जो ये प्लानिंग था ये पहला प्लानिंग था याद आ रहा है कुछ दिस द फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान क्या फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान हुआ था ये लेकिन ये 20 साल में न खत्म होकर ये दो ही साल पहले ही खत्म हो चुका था कब सर उन्नीस में खत्म हो चुका था ये इसका प्लानिंग जो किया था कि इतने किलोमीटर की रोड बनानी है इतना पैसा लगाना है तो इसकी जो प्लानिंग भी थी बीस साल की इतने किलोमीटर की रोड बनानी है भारत में इसका नाम क्या हो रहा था सर नागपुर रोड प्लान और उन्नीस में खत्म हो गया था उन्नीस में इसी बीच एक और कमेटी बनी रोड डेवलपमेंट के लिए एक और इंस्टीट्यूट बना जिसको बोल रहे हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सी आर आर आई ये भी पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं 1950 1956 में एक और चीज आई थी जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे एक्ट एन तो नेशनल हाईवे एक्ट उन्नीस में बना उसके बाद ये वाली चीज क्या है सेकंड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान क्या तो सेकंड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान जो बना जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बॉम्बे प्लान 1961 से शुरुआत होगी और 1981 तक 1981 तक बॉम्बे रोड प्लान होगा नेक्स्ट 1973 1973 जिसको बोलते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉइल सॉइल वगैरह में आपने पढ़ा हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल भी है सोइल का क्लासिफिकेशन भी एचआरबी करता है इसको बोलते आपका उन्नीस सौ अठहत्तर में और देन थर्ड ट्वेंटी प्लान जो कि वह लखनऊ प्लान थर्ड ट्वेंटी प्लान उन्नीस सौ इक्यासी से लेकर दो हजार एक तक इसको बोलते हैं लखनऊ रोड प्लान यस yes, चलिए ये बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से बढ़िया से जो है रिवाइज करा दिया पूरा का पूरा यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं दोस्तों गेट एग्जाम में आ रखा है और ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि पहला चैप्टर है अभी हम लोग इंट्रोडक्ट वो प्लानिंग वाला चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं केवल तो इसमें तो आपके सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है वो गेट का हो ई का हो क्योंकि सब आने के चांसेस होते हैं चलिए टोटल लेंथ क्या लिखा है यहाँ पर किलोमीटर में टोटल लेंथ और किलोमीटर में लिखा है दोस्त मुझे बताइए किलोमीटर में लेंथ कितनी हो चुकी है लगभग अभी क्योंकि नेशनल हाईवे की लेंथ की बात कर रहा है वैसे तो हालांकि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं कहीं ना ने कहीं नेशनल हाईवे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अभी प्रेजेंट सिनारियों में ये जितना भी डेटा है जो भी क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको वो सब प्रेजेंट जो डेटा है उसके हिसाब से बता रहे हैं तो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था नेशनल हाईवे इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ तो आप अपना अंदाजा लगाओ अपना सिक्स सेंस लगाओ कि आज भारत में क्या कंडीशन होगी बताइए बोलो आज की बात हो रही है एक बोल रहे हैं ऑप्शन कि पंद्रह हजार से पच्चीस हजार किलोमीटर हो गई होगी या पच्चीस हजार से पैंतीस हजार किलोमीटर की रेंज में होगी किसकी बात हो रही है केवल एनएच की बात हो रही है ध्यान रखना नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो नेशनल हाईवे की लेंथ आपको क्या लगता है इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा या इसमें होगा बताओ तुम्हारा सिक्स सेंस क्या जाता है भाई है? ए या डी एक लाख से ऊपर पहुंच चुकी है ठीक है ना तो ये तो बहुत छोटा लिखा है इसने तो पैंतालीस हजार के ऊपर ही जाओगे आप ठीक है तो आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन में लिखा रहा हूं आपको टेंशन न ले तो कहने का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ रोड एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है नेशनल हाईवे इन In इंडिया वो पैंतालीस हजार से ऊपर होगा मतलब कि ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा दोस्तों अब आपको ये बात तो क्लियर है भाई जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है पीछे नहीं भी मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा टेंशन न लो फिर भी कई तरह की रोड होती है एस होता है स्टेट हाईवे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टेट हाईवे है, है ना ये स्टेट हाईवे आप देख रहे हैं स्टेट हाईवे एक है नेशनल हाईवे और एक है एक्सप्रेस वे है ना अभी आपने देखा होगा दिल्ली टू मुंबई भी है और कई जगह एक्सप्रेस वे बन चुके हैं अभी दिल्ली से सॉरी इधर इधर से भी बना है कई सारे एक्सप्रेस वे मैं बता दूं आपको कई सारे गिना सकते हैं आप तो ये कहा गया है कि लगभग सोलह सौ पंद्रह दशमलव चार किलोमीटर इसकी लेंथ हो रही है एक वन सिक्स वन फाइव फोर किलोमीटर हो रही है ये थोड़ा बढ़ भी गया होगा लेकिन इतना ही अभी आप अब याद रख लो एनएच की बात करें नेशनल हाईवे तो इसको देखो एक ऑर्डर याद रखो एक लाख बयालीस हजार एक सौ छब्बीस इतने किलोमीटर की जो है लेंथ हो चुकी है तो ये तो पैंतालीस हजार तो बहुत ऊपर है वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर स्टेट हाईवे जो है एक लाख छिहत्तर हजार एक सौ छियासठ किलोमीटर तो ये किसकी है स्टेट हाईवे की इतना ही आप कम से कम याद करेंगे जनरली नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे उसमें ही पूछा जाएगा तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर फोर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच नागपुर रोड प्लान बेस्ड ऑन दी नागपुर रोड प्लान सबसे पहली बात तो आपको पता ही है वो कब है पहला फर्स्ट फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान है आप सभी लोग जानते हैं और फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान है तो यही तो आया था आपका कब फर्स्ट ट्वेंटी रोड प्लान है कई बार रिवाइज हो गया आपका फर्स्ट ट्वेंटी रोड प्लान ये आया था सर उन्नीस में क्या और कब तक चला था ये 1963 तक चलना था इसको 20 साल लेकिन ये 1961 में ही खत्म हो गया था बट इसमें एक पैटर्न का यूज किया गया किस पैटर्न किसी को याद है बोलो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यस बिल्कुल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ये बहुत बार पूछा जाता है देखेंगे गेट एग्जाम में पूछा गया है और एस में भी पूछा गया है वन एक बार चलिए जी स्टार एंड ग्रिड पैटर्न इसका आंसर होगा सभी लोगों ने सही किया है अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूं देखो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का इतिहास क्या है देखो इधर थोड़ा सा और साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड जो कि तुम लोगों ने तो पढ़ा है इसको देखेगा जरा ध्यान से यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये नागपुर प्लान कहा जाता है इसका ड्यूरेशन 1943 से 61, 63 तक था कंप्लीटेड इन 1961। अगर बात करें सेकेंड ट्वेंटी रोड प्लान तो दोस्तों बॉम्बे प्लान कहा जाता है और 1961 से 1981 तक क्योंकि दो साल पहले हो गया था शुरू तीसरा थर्ड ट्वेंटी रोड प्लान लखनऊ प्लान नाम भी पूछे जाते हैं इनके नाइनटीन से दो टारगेट देखेगा डेंसिटीज के टर्म्स में जिसको बोलते हैं टारगेट या डेंसिटी जो भी है पूछा जाता है टारगेट क्या था इसमें टारगेट ये था तो उस पहले प्लान में था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में मान लेते हैं 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इधर 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 बनाया 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 तो कुल ये जोड़ करके 16 किलोमीटर लेंथ बनाना था कितने एरिया में 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 16 की लेंथ की रोड बनानी ही बनानी है इधर देखा जाए तो सौ में कितना सर बत्तीस किलोमीटर सोलह बत्तीस और बयासी तो याद हो गया इसके बाद हमने जो रोड बनाने का तरीका भी पैटर्न भी आपको पढ़ा रहा हूँ पैटर्न क्या होता है लेकिन पैटर्न जो रोड बनाने का तरीका था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ठीक है ना इस आधार पर हमारे देश में रोड बनती है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न इसके बाद सर एक्सप्रेसवे यहां पर ऐड नहीं किया गया था हमारे देश में इस समय तक 1963 से 61 तक इस समय एक्सप्रेसवे नाम की कोई चीज नहीं थी एक्सप्रेसवे जो ऐडवे वो सर सेकंड 20 रोड प्लान मतलब 1961 के बाद बने 1600 किलोमीटर उसके बाद वो बढ़ते गए वो फिर लखनऊ प्लान में ठीक है अब आते हैं सर कि फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग हमने रोड का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो पांच तरह से किया गया था किस तरह से पांच तरह के पूछा जाता है द क्लासिफिकेशन रोड नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन रोड इन देश बेस्ड ऑन द फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड प्लान तो आप बोलेंगे पांच क्लासिफिकेशन है सर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड वी आर ओके उसके बाद सेम सेकंड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान में भी वही सेम टू तो सेम चल रहा है आप देख पा रहे हैं लेकिन तीसरे प्लान में अचानक से क्या हुआ कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया चेंज का मतलब इसके डेफिनेशन में चेंज कर दिया हमने कहा कि हमारे पास तीन प्रकार की रोड है क्लासिफिकेशन तीन वे इन तीन में पहला जो हुआ सर प्राइमरी कहलाया और प्राइमरी दूसरा कहलाया सेकेंडरी और तीसरा कहलाया रूरल और रूरल को एक और नाम कहा जाता है टर्सरी लिख देना वहां पर टर्सरी क्या बोला जी टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्राइमरी के अंतर्गत हमने बोला दो रोड एक तो नेशनल हाईवे प्लस दूसरा एक्सप्रेस वे हाईवे और सेकेंडरी के अंतर्गत स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रूरल या टर्सरी के अंतर्गत आ गया ओडीआर प्लस वी आर कहने का मतलब है जो जो रोड अभी बनी है उन्हीं को हमने एक विशेष पैटर्न में डाल दिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में ये थी जी कहानी तो याद रखेंगे इस चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जी उसके बाद दोस्तों सभी के दिमाग में रहता है कि जब भाई बताइए थोड़ा सा सर क्या होता है एक्सप्रेस वे क्या होता है नेशनल हाईवे क्या फर्क रहता है तो आपको बता दें जनली आपकी जो स्पीड देखो आपने देखा भी होगा सुना भी होगा जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि मक्खन जैसे रोड बन गए मक्खन मतलब वही होता है कि स्पीड क्या होती है उसकी ज्यादा होती है तो कभी पूछा जाए एक्सप्रेस वे कौन सा रोड होता है जिसमें मटेरियल तो ज्यादा लगेगा बहुत रिफाइंड मटेरियल लगेगा पैसा भी ज्यादा लगेगा उसमें तो इस स्पीड उसमें कितनी हो सकती है 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है डिजाइन स्पीड है चलाने के लिए तो कई स्कूटर बाइक वाले 200 भी चलाते हैं तो 120 किलोमीटर पर आवर है डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे की बात हो सर नेशनल हाईवे क्या होता है जो ज्वाइंट करेगा स्टेट टू तो स्टेट स्टेट का मतलब है जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की कोई रोड कनेक्ट हो रही है तो हम बोलेंगे ज्वाइंट स्टेट टू तो स्टेट नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे की बात किया जाए तो ज्वाइंट वेरियस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जैसे कि आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट जैसे उत्तरकाशी से कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज यहां पर क्या किसको कनेक्ट कर रहा है टिहरी को कर रहा है उत्तरकाशी से टिहरी कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे स्टेट हाईवे कहलाएंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये लोगों को समझ नहीं आता है भाई इसको समझना ज्वाइंट एरिया ऑफ एक्मलेन और प्रोडक्शन विद मेन हाईवे मान लेते हैं कि सपोज दैट ये मेन हाईवे है ये तुम्हारा मेन हाईवे चल रहा है ठीक है मेन हाईवे चल रहा है अभी मेन हाईवे में दोस्त या आपका एस एच भी हो सकता है एनएच भी हो सकता है जनरली एनएच की बात होती है तो इससे आपका ये वाली रोड जो है स्पेशल रोड जो है और ये जोन क्या है सर ये जोन आपका हो सकता है कोई भी ये कोई भी प्रोडक्शन एरिया हो सकता है प्रोडक्शन एरिया इसको बोलते हैं या इसको बिल्टअप एरिया कहते हैं सर क्या बोलते हैं बिल्टअप एरिया अब बिल्टअप एरिया का मतलब है कि जिसमें हमारे पास इंडस्ट्री लगी हो कुछ उद्योग हो कारखाने हो फैक्ट्री हो तो भैया इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो इसके लिए इतना बड़ा बड़ा ट्रक भी आएगा तो उसके लिए एक स्पेशल रोड जानी पड़ेगी ऐसा नहीं कि पतली गली बना दिया आपने है ना रोड बनानी पड़ेगी तो स्पेशलाइज रोड बनाना पड़ेगा तो ज्वाइंट एरिया ऑफ एक्मलेन और प्रोडक्शन समझ रहे बात को विद द मेन हाईवे तो ये रोड जो होगी सर इसको कनेक्ट करने के लिए ये एम होगी देन ओडीआर ज्वाइंट रूरल एरिया टू मार्केट प्लेस अच्छा रूरल शब्द का क्या मतलब होता है रूरल का मतलब होता है क्या सर देहाती क्षेत्र गांवी क्षेत्र देहाती क्षेत्र तो किसी देहाती क्षेत्र को किसी मार्केट प्लेस से जोड़ने के लिए मान लेते हैं इधर मार्केट प्लेस है कोई और इधर तुम्हारा गाँवी क्षेत्र है तो स्पेशल कोई रोड अगर जा रही है तो क्या हो जाएगा आप बोलेंगे ओडीआर और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ओके वेरी गुड नेक्स्ट आते हैं VR, road, villages, अलग -अलग को जोड़ने वाला क्षेत्र में जाओ आप तो आप क्या बोलेंगे है, है? जब, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड तो हम दो प्रकार से रोड कहते हैं एक रूरल रोड और एक अर्बन रोड तो ये सारे का सारा हम एक क्लासिफिकेशन जब वैसे तो जनरली हम यही पढ़ते हैं मोटे तौर पर लेकिन जब कभी डिस्कस होता है बहुत डिटेल में तो डिटेल में हम इसको बोलते हैं सर ये पांच के पांच जो रोड आपने लिखे हैं एक दो पांच तीन चार पांच और छह ये सब के सब किस में आ जाते हैं ये रूरल में आ जाते हैं ठीक है रूरल में आ जाते हैं तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है सर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको याद भी रखना है आपको जब डिटेल में पढ़ाया था उस समय भी रिवाइज कराया था ये आई आर सी सेवनटी थ्री आई आर सी सेवनटी थ्री इंडियन रोड कांग्रेस सेवनटी थ्री दो हजार पंद्रह में रिवाइज हुआ होगा कंसर्न विद द विद्यूमेट्रिक डिजाइन ऑफ रूरल हाईवे कहने का मतलब है जो रूरल हाईवे है ये सारा का सारा जो रूरल रोड मैंने आपको बताया इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन डिजाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन कर्व कैम्बर हो हो गया आपका की गई वो सारी ज्योमेट्रिक जो है कौन से स्पेसिफाई करता है सर आई आर सी इंडियन रोड कांग्रेस सेवेंटी थ्री ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और क्लासिफिकेशन जो है अर्बन वाला इसके नाम बस याद रखना है और कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें तो कहने का मतलब है सर अगर हमारे पास कभी अर्बन रोड की बात होती है तो आरटीएल रोड होता है सब आरटीएल रोड होता है कलेक्टर स्ट्रीट होता है लोकल स्ट्रीट होता है और एक्सप्रेस वे होता है एक्सप्रेस वे इसमें भी आ गया एक्सप्रेस वे दोगुला है ना चलिए दोनों में आ गया चलिए जी आगे बढ़ते हैं पैटर्न को थोड़ा समझा देता हूँ जब हम बात करते हैं एक बालक कह भी रहा था कि सर रेडियल ग्रिड पैटर्न किस में आएगा तो बता दे रहे हैं क्या होता है रोड रोड पैटर्न की जब बात हो दोस्तों तो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक अरे कुछ नहीं है पैटर्न यार हम रोड किसी शहर में रोड बना रहे हैं तो हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि रोड जो है आपका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो पाए अब ऐसे भी क्या रोड बनाने की भाई लोगों को सुविधा ही नहीं हो रही है इतना पैसा गवर्नमेंट ने लगा दिया दो करोड़ का प्रोजेक्ट था और लोगों को फुल फुली यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं कि रोड का अलाइनमेंट इस प्रकार डालेंगे रोड का पैटर्न ऐसा बनाएंगे कि हमारा सबसे पहले देखेगा ये जो बीच वाला जोन है देखो ये वाला जोन कहला रहा है क्या क्या इसको बोलता है? बोल है इसको बोलते हैं हैं सेंट्रल 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 बिजनेस 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 एरिया 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 बोल रहे कुछ भी प्रोडक्शन एरिया हो सकता है क्या पता आपका उद्योग फैक्ट्री हो कोई प्रोडक्शन एरिया हो मार्केट प्लेस हो कुछ भी हो जाए ये वाला आपका फिर से बिल्टअप एरिया है बिल्टअप एरिया बिल्ट मतलब वही बीजे एरिया हॉस्पिटल वॉस्पिटल जो भी है तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये यह तुम्हारी मेन रोड होती है ये वाली मेन रोड सेंट्रल बोला जाता है ये जो कनेक्ट हो रही है तो इस एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो चंडीगढ़ है चंडीगढ़ ठीक है ना बिल्कुल मास्टर प्लानिंग करके जो होता है लेकिन स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होगा ये न्यू दिल्ली में यूज किया जा रहा है सेंट्रल बिजनेस एरिया वही बीच में आ गया सेंट्रल बिजनेस एरिया रेडियल रोड होती है ये वाली जो रोड जाएंगे यहाँ से बिजनेस एरिया से कनेक्ट होते वही इनको बोलते हैं रेडियल रोड और बीच बीच में आपका बिल्टअ अप एरिया ये दिख रहा है आपको तो ये क्या कहने का मतलब है स्टार और रेक्टेनर पैंड हो गया इस तरह से ये बनाने का तरीका है भाई एक आता भाई स्टार और सर्कुलर पैटर्न तो आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा पैटर्न आपको सर्कुलर दिख रहा है और स्टार रोड जा रही है रेडियल रोड अभी भी जा रही है ठीक है ना बीच बीच में ये जो बीच में ये रोड देख रहे हैं आप यहाँ पर भी है देहरादून में भी कई जगह पर तो ये क्या होता है ये ये जो रोडें जा रही है इनको बोला जाता है रिंग रोड और ये वाली जो जा रही है इनको बोला जाता है रेडियल रोड और ये वाला जो जोन है ये इसको क्या बोला जा रहा है सेंट्रल बिजनेस एरिया और यहाँ पर आपका बिल्टअप एरिया ठीक है तो ये सारा आपका देख फिगर से ही दिख जा रहा है इसलिए मैंने फिगर बनाना बहुत सही, सही समझा आप यहाँ आपका नेक्स्ट आते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एग्जाम का क्वेश्चन है मोस्टली यूज इन इंडिया मोस्टली यूज इन इंडिया तो ये कौन सा है सर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यहाँ पर देखेगा ये फोकल पॉइंट है फोकल पॉइंट वही जो आपका मेन एरिया होता है बिजनेस एरिया जिसको बोलते हैं जिसपे फोकस होना चाहिए कहा गया ये ठीक है देन आपका ये वाला हो गया ग्रिड इनको बोलते हैं ग्रिड ये ये है ग्रिड ये जो बीच में ग्रिड बन रहे हैं यहां पर आपका ये हो गया रेडियल रोड फिर से तो स्टार और ग्रिड पैटर्न ठीक है पैटर्न छह तरह के हैं ठीक है ना पांच तरह के सॉरी पांच तरह के पैटर्न आपको लिखा देंगे तो हेक्सागोनल पैटर्न कुछ इस तरह का ठीक है ना तो पांच पैटर्न हो गए भाई सारे नाम लिखा दिए मैंने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईईएस 2000 में आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जवाब करेंगे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एस पर द थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान इज गिवन बाय आई एस दो हजार में आ रखा है लेंथ ऑफ द रोड प्लान नेशनल हाईवे एस पर द थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान आप जानते ही हैं, जिसको क्या नाम देते हैं है? बॉम्बे प्लान है हा लखनऊ प्लान और लखनऊ प्लान आपका उन्नीस सौ इक्यासी इनको ऐसा रखो टिप्स में 2000 कब तक एक तक है ना तो ये कहा जाता है ये आपके लिए नया होगा ये शायद अपने नोट्स में ऐड कर देना क्या होता है कि जब हम थर्ड ट्वेंटी रोल प्लान की बात करते हैं तो दोस्तों ये लेंथ जो दी गई है थर्ड ट्वेंटी रोल प्लान में जब आया हम सन उसकी बात हो रही है उन्नीस सौ इक्कीस के दो हजार एक के बीच तो ये कहा जाता है कि इस समय तक देखो इधर ध्यान से इस समय तक 1921 से लेकर 2001 का जो इस समय था लखनऊ प्लान का थर्ड ट्वेंटी रोड प्लान इस समय तक हमारे भारत में नेशनल हाईवे की जो लेंथ की कंडीशन थी तो एक अप्रोक्सीमेटली इतना हमने अंदाजा लगाया कि हमारे देश का जो टोटल एरिया है जो भी है अपोन अगर आप पचास कर देते हैं तो हमारा तुरंत निकल जाएगी नेशनल हाईवे की लेंथ ये कुछ एक ऑर्डर है एक तरीका है तो ये तरीका याद रखना है और इस तरीके को याद करने से अगर आपको एक नंबर मिल जाता है तो क्या बुरा है है ना, तो yes. तो so याद रखोगे भाई, लो जी. ये हो हो गया आपका आपका Again, आपका जाएगा पर था, चलिए, का वही बेसिक चैप्टर सही चल रहा है एस एस सी जेई दो हजार बीस में आ रहा है, देखो यहाँ पर लिख रहा था मैंने एस एस सी जेई दो हजार बीस टू थाउजेंड ट्वेंटी कौन बताएगा आ? सी या तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे ना दो हजार बीस में आ रहेगा रहे देखो अरे यही सब चीज आनी एग्जाम में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब एग्जाम का ही देखो ना 2020 में आ रहेगा इस बार भी आएगा तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट सिक्वेंसल स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे टू बी डन for a new highway alignment कहने का मतलब है यहाँ पर रेलवे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हो रही है सर हाईवे और हाईवे मतलब रोड क्या तो रोड जब आप हाँ बनाते हैं तो भाई सबसे पहले ही काम होता है सर्वेंग या और सर्वेंग में आपको किस-किस स्टेप -किस में सर्वे करना होता है ऐसा तो है नहीं कि सीधे जाओगे और सीधे जो है आपको वहां लेबलिंग करना शुरू कर दोगे है ना तो ऐसा नहीं होता है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलती है सर्वेइंग भी और हाईवे अलाइनमेंट की बात है रोड की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या काम होता है मैप मैप स्टडी स्टडी ना तो सबसे पहले काम होगा सर बिल्कुल सही बात है उसके बाद होगा reconances. सब समझा रहा हूं आपको कि, कि किसका मतलब क्या होता है किसमें क्या हो लेकिन ऑर्डर पहले याद तो रखो तो मैप स्टडी रिकनसिस हो गया और फिर जाके होगा प्रीलिमरी सर्वे और देन होगा आपका फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे ये तुम्हारा फाइनल टच हो जाएगा फिर फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे ये था ऑर्डर आपको सबको याद था ये तो मैंने आपको एक और भी तरीका बताया था इसको याद करने का हाँ मार पड़ेगी किसकी मेरी पड़ेगी अगर याद नहीं रखा तो तो ये था आपका सी ऑप्शन तो मैप स्टडी रिकनेस प्रिलिमिनरी सर्वे और फाइनल स्टेज और डिटेल सर्वे चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा

दोस्तों इंजीनियरिंग सर्वे फॉर द हाईवे अलाइनमेंट जब हम रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के लिए पहला स्टेज सर्वे का होता है मैप स्टडी दूसरा स्टेज होता है सर्वे सर्वे तीसरा स्टेज होता है और लास्ट स्टेज होता है डिटेल सर्वे या फाइनल सर्वे तो चलिए एक एक करके सबको जानते हैं सबसे पहले ऊपर लिखा है मैप स्टडी हमने पढ़ा रखा है आपको देखो मैप स्टडी में क्या करते हैं मैप स्टडी में क्या लिखा है देखो ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे देखो वेरियस अलाइनमेंट देखो इधर स अलाइनमेंट आर ड्रॉन ऑन मैप क्या करेंगे एक रफली आप एक अलाइनमेंट बनाने की शुरुआत मैप बना रहे हैं ना आप एक रफ मैप बना रहे हैं एक रफ मैप बना रहे हैं रफ मैप बना रहे हैं और मैप बनाने के पीछे बनाने के साथ साथ आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने चाहिए सर मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एक इंजीनियर के तहत मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि एक सिविल इंजीनियर का सबसे पहला मोटो ही क्या होता है क्या होता है पहला मोटो दो मोटो होते हैं मतलब कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के आप अभी तो खैर ये हाईवे पढ़ रहे हैं हाईवे की सर्वे पढ़ रहे हैं आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करें कोई बिल्डिंग बनाए कोई ब्रिज बनाए आप तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के क्या होते हैं सबसे पहली बात कि भाई कम से कम कॉस्ट है ना अरे बनाने के लिए तो आप बिछा दो पैसा खूब सारा पैसा बिछा दो तो वो इंजीनियर नहीं कहलाता वो कहलाएगा क्या वो क्या कहलाएगा बिजनेसमैन वो तो पता नहीं क्या कहलाएगा फिर लेकिन इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर है उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कम से कम पैसा जिसको बोलते हैं आप इकोनॉमिकल डिजाइन उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्मोलॉजी में इकोनॉमिकल डिजाइन दूसरा चीज अब पैसे बचाने के चक्कर में ये भी नहीं कि आपका जो है स्ट्रेंथ भी कम हो जाए पता लग रहा आप पैसा बचाने चक्कर में अगले साल टूट गया दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका स्ट्रेंथ भी बढ़िया बढ़िया है तो कहने का मतलब है उसी को बोला जाता है आपने पढ़ा भी होगा हम लोग जब ओ सी पढ़ेंगे ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे तो आपने सुना भी होगा शायद जब हम कैनाल डिजाइन करते हैं कैनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग उसका पैरामीटर निकाल के देखते हैं उसको बोलते हैं फिर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशियंट चैनल सुना है कुछ ऐसा तो उसका मतलब क्या होता था उसका मतलब ये होता था कि कम से कम पैसा में ज्यादा वो डिस्चार्ज कैरी करे वो तो वो कैनाल के हिसाब से हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से बोले तो कम से कम पैसे में बढ़िया स्ट्रेंथ दे तो वही चीज है सर यहाँ पर यहां पर भी यही चीज है कि मैप स्टडी में हम क्या देखेंगे कि कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन आए अरे भैया बढ़िया बढ़िया अब जो अलाइनमेंट जा रहा है रोड का अलाइनमेंट जा रहा है और अगर आप बार बार ऐसे सोच रहे हैं कि नदी को क्रॉस करके ही निकालना है कोशिश तो ये करो ना कि ऑब्स्ट्रक्शन कम मिले अगर नदी को क्रॉस कराना पड़ेगा क्या बनाने पड़ेंगे सर हो सकता है कि कलवर्ट कलवर्ट छोड़ो आप ब्रिज बनाना पड़े क्या बनाना पड़े ब्रिज बनाना पड़े और ब्रिज में खर्चा ज्यादा समझ गए बात को इसलिए हम क्या सोचेंगे कि कम से कम है। भाई जहां पर उपाय नहीं है वहां पर तो बनाना ही पड़ेंगे पुल दूसरा चीज सर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब कि आपका जो रोड बन रहा है वो काफी लोगों तक काफी जगह तक यूटिलाइज हो पाए ये चीज रखनी पड़ती है सर्वे सर विजिटिंग द साइड लोकेशन अब हम क्या करेंगे हर एक साइड की लोकेशन पर जाएंगे और जो चीज जो चीज मैप में आपने जो ड्रॉ नहीं कर पाए थे उस फीचर को यहां पर क्या करेंगे, करेंगे। तो यह है क्या नहीं है वो सारी चीजें तो सेकंड स्टेप अब आते हैं जी एक्चुअल सर्वे यहां से हो जाती है उसको बोलते हैं प्रिलिमिन्री सर्वे ध्यान से देखना इसका सवाल का इस पर आधारित अभी क्वेश्चन आ रहा प्रिलिमिन्री सर्वे में हम लोग सबसे पहले तो शुरुआत कर देंगे हमारी जो अपनी सर्वेइंग है जिसमें आप चेन सर्वे तो पढ़ ही रहे कम पास करना शुरू कर देंगे प्लेन टेबल की जरूरत पड़ेगी प्लेन टेबल करेंगे लेबलिंग आप करेंगे ऑटो लेबल लेबल जो भी कर रहे हैं ट्रैफिक स्टडी अब ट्रैफिक स्टडी के भी कई सारे पहलू हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी ट्रैफिक डेंसिटी की स्टडी है ना कल वो थोड़ा सा आपको वो बताया है ड्रेनेज स्टडी है ना ड्रेनेज स्टडी ट्रैफिक स्टडी करना क्यों जरूरी है भाई आपको तभी तो पता रहेगा कि कितना इसमें ट्रैफिक रहेगा उसके हिसाब से रोड डिजाइन करेंगे उसके बाद मटेरियल लोकेशन मटेरियल लोकेशन का मतलब है कि बहुत सारा मटेरियल ऐसा हो सकता है जो आसपास मिल जाए तो उसका खर्चा बच जाएगा बहुत सारा मटेरियल ऐसा हो सकता है कि दूर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो हमारा मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर ये देखो सॉइल इन्वेस्टिगेशन सॉइल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है अगर आप दस किलोमीटर का रोड को डिजाइन करना है आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको उस जोन के रोड पर उसकी सॉइल पर टेस्टिंग करनी होती है एक्चुअली में कहा तो ये जाता है लगभग एक से जब इसकी टेस्टिंग होती है इसकी टेस्टिंग होती है तो सॉइल को उठाएंगे लगभग उस पर टेस्ट भी करेंगे फील्ड में भी कर सकते हैं एक से लगभग तीन मीटर तक उस पर प्लेट लोड टेस्ट करेंगे या एसपीटी भी कर सकते हैं स्टैटिक पेनिट्रेशन टेस्ट इस सॉइल में आप लोग पढ़ेंगे उससे सॉइल की क्या हो जाएगी अरे सॉइल पर जब मारोगे उससे क्या होगा कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक हो जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक इसने झेलना है उसके लिए हम सोइल में ये टेस्टिंग पढ़ते हैं उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोइल टेस्टिंग वाला जो फिनोमिना है प्रीलिमिनरी सर्वे में होगा फिर आपका फाइनलाइज होता है भाई अलाइनमेंट अलाइनमेंट अब पड़ जाएगा यहाँ हमें ऐसे ऐसे रोड निकालने गांव से निकालनी इतना निकलेगा ठीक है अलाइनमेंट तो फाइनलाइज भी प्रिलिमिनरी में होता है तो सर्विंग हो गई फाइनलाइज हो गया सॉइल की टेस्टिंग हो गई अब क्या होगा डिटेल सर्वे अब हम डीपीआर बनाएंगे सर डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाना जिसको आप एम बी भी कहते हैं डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे जो कि जेई बनाएगा यहां पर. DPR, यहां पर पर डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देन हम देखेंगे प्लानिंग शुरुआत कर देंगे डिजाइनिंग का स्टेप शुरू हो जाएगा मटेरियल का एस्टिमेट करेंगे क्योंकि यहां से हमें पता लग गया कि कितना मटेरियल लगेगा उसमें स्टील लग रहा है सीमेंट लग रहा है कंक्रीट जो भी लग रहा है उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट एस्टिमेटन शुरू हो जाएगा यहां पर एस्टिमेट करना शुरू हो जाएगा तो ये है सर हमारे पास सारे होप रहे हैं बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आठवा आते हैं जी हमारे पास आई 2003 में आया था इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसी के रिगार्डिंग है तो आप तुरंत जवाब कर सकते हैं इसका तीन में आया था पढ़ लेते हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोविंग लोकेशन सर्वे लोकेशन सर्वे ऑफ द रोडल प्रोफाइल इज सैंपलिंग डन अप टू ऑफ वन टू थ्री मीटर बिलो द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल ये है जहां पर रोड बनानी है वहां से एक से तीन मीटर का आपने सैंपल लिया और उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं ये कहने का मतलब है तो ये किस सर्वे के अंतर्गत आता है है सर तो घुमा फिराक कर आप जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा ये अगर जिन लोगों ने ये बात मेरी ध्यान से सुनी होती यहां पर ये वाली जो मैंने प्रिलिमिन्री में करी है सोइल टेस्टिंग ये घुमा फिरा कर यही तो है अगर ध्यान से देखें ये पूरे ये पूरे क्वेश्चन का सार क्या निकल रहा है कि सोइल टेस्टिंग और सोइल टेस्टिंग आप किस जोन में करते हैं किस सर्वे में करते हैं सर्वे तो तुरंत जवाब क्या हो जाएगा प्रिलिमिन्री सर्वे प्रिलिमिन्री सर्वे तो यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी तो ये प्रिलिमिन्री सर्वे हो गया इसका जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नाइन जवाब करेंगे और ये देखो कितना नया क्वेश्चन है 2019 में आ रखा है टू जेई नाइनटीन बोलो आई आर सी एच आर बी एम बी ए और सी आर आर आई चार बोर्ड हैं चार तरह के बोर्ड के बारे में दिया है चार तरह की कमेटियां हैं अभी बोल रहा है ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आर गिवन बाय ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन आर गिवन बाय बोलो आईआरसी एचआरबी इनके फुल फॉर्म देख लो पहले तो आई इंडियन रोड कांग्रेस है हाईवे रिसर्च बोर्ड है मोटर व्हीकल एक्ट है एमवीए का मतलब मोटर व्हीकल एक्ट है और सीआरआरए का मतलब सेंट्रल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है ना ये सब मैंने आपको इस्टेब्लिश कब हुए हैं ये पीछे सब बता दिए हैं आपने पीछे देख लिए हैं कि कब कौन इस्टेब्लिश हुआ है तो इसके बारे में आपको पीछे दिखा दिया है लेकिन सवाल ये एग्जाम में खूब क्वेश्चन ये घूम रहा है सभी एग्जामों में लगभग कि भैया आई एस आई एस जो आई आर सी है सॉरी जो स्पेसिफिकेशन है रिकमेंडेशन वो कौन देता है तो आप ध्यान रखेंगे आई आर सी देता है इंडियन रोड कांग्रेस जो कि इस्टेब्लिश हुआ सर नाइनटीन थर्टी फोर में उन्नीस सौ चौंतीस में ठीक है ना 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था ये देखो एक भाई साहब आए हैं 1927 कह रहे हैं आयार से हैं बताओ प्रभु क्या करूं मैं तुम्हारा हैं पीछे इतना चिल्ला रहा था मैं 1927 में तो जयकर कमेटी फॉर्म भी है हैं ये बहुत पुराना स्टूडेंट है हमारा देखो इतनी बेजती करवा रहा है सुबह सुबह 1934 थर्टी में हमने कहा इंडियन रोड कांग्रेस की स्टेब्लिश हुई और इसी के द्वारा भारत में सारे इसके सारे जो हाईवे प्लानिंग है ये डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग जितने भी स्पेसिफिकेशन है यही देता है ठीक है तो ये हो गई जी आपकी कहानी इसकी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है आईईएस 2022 कुछ नहीं है बस सिंपल सा एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा और इंजीनियरिंग सर्विस आई 2022 का क्वेश्चन है चार तरह के ऑप्शन उसने दिए हैं उसको पहले पढ़ो बहुत अच्छे से और फिर जाके जवाब दोगे कि क्या होगा ये क्लास आपकी डेली चलेगी भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये जो क्लास मेरी चलेगी मेरी वाली जो क्लास है ऑब्जेक्टिव क्लास मंगलवार मंडे ट्यूसडे और वेरनेसडे मंगल सोमवार मंगल और बुधवार ये तीन दिन मेरी क्लास चलेगी ऑब्जेक्टिव क्लास नौ बजे से नाइन ए एम पर और अभी तो हमने हाई इंजीनियरिंग शुरुआत किया है धीरे धीरे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं जो जो मैं डील करूँगा सबके ऑब्जेक्टिव आप सीखेंगे तो एक तरफ आप थ्योरी अपने कर अपने तरीके से करते रहो और ऑब्जेक्टिव के साथ अपना लेवल बढ़ाते चलो अभी तो ये पहला चैप्टर है यार ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है इसमें तो कुछ आपको ज़्यादा केवल रिवाइज ही हो रहा है लेकिन सीखने की जो अब सबसे ज्यादा जो आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी जो सीखने को मिलेगा अब आपके नए सेक्टर में मिलेंगे अगली क्लास में मतलब जब मैं जीमेट्रिक डिजाइन कराऊंगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग कराऊंगा क्वेश्चन करेंगे जब हम तब सीखेंगे चलो अरेंज द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन सर का जो है जो क्लास रहेगा यह रहेगा अगले लास्ट के तीन दिन जो कि बृहस्पतिवार फ्राइडे और सैटरडे तो इन तीन दिन में इनका समय सर का समय आठ बजे शाम को है रोज इन तीन दिनों में सुबह नहीं है ठीक है मेरा केवल क्लीनिंग साइट चलिए शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन की अरेंज द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट इन करेक्ट सिक्वेंस मतलब क्या क्या रहा है ये केवल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था आई एस में जो आ रहा था कि दिमाग कैसे लड़ाता है कोई स्टूडेंट ये बोला गया है था कि अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ठीक है रोड बना रहे हैं मतलब हाईवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए सिक्वेंस तो आपके दिमाग में क्या लग रहा है बताओ कौन सा लग रहा है बी वाला बी वाला कैसे पहले क्या करोगे साइट को क्लीनिंग कर रहे हैं अच्छा मतलब कि जो वर्क साइड है जो कंस्ट्रक्शन साइड है उसको क्लीनिंग कर रहे हैं फिर क्या करोगे वर्क करेंगे मतलब मिट्टी को खोदेंगे खा देंगे है ना फिर क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज वर्क सच है कलवर्ट वगैरह है मतलब नालिया नूलिया फिर आपका छोटे मोटे अगर पुल वाल बनाने हैं तो वो ठीक है ठीक है और लास्ट क्या है कंस्ट्रक्शन लग तो सही रहा है ठीक है तो ये है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जिसमें हमने कहा सबसे पहले क्लीनिंग साइड ऑफ वर्क जिसको और कंस्ट्रक्शन तो यही था देखो ना कितना सिंपल देखो तुम भी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में बैठे होते तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना दो नंबर का क्वेश्चन होता है वहां पर ये तो सबसे पहले आपने क्लीनिंग कर दिया फिर आपने अर्थवर्क का काम शुरू कर दिया अर्थवर्क में आपका कई सारे काम आते हैं आपका लेबलिंग का काम आता है लेबलिंग भी अर्थवर्क में आ जाता है एक्सकवेशन का काम आता है क्योंकि जब रोड बनाते हैं तो बहुत जगह पर आपको कटिंग भी करनी होती है और फिलिंग भी करनी होती है तो कटिंग और फीलिंग ये सब काम किस में आ रहा है सर अर्थवर्क में आ रहा है फिर आपको करना होगा सर क्या ड्रेनेज 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 का मतलब ड्रेनेज वर्क मतलब वही नालियाँ आपको पास वो करनी पड़ेगी जिसमें कि अगर आपको कलवर्ट बनाने पड़ रहे हैं तो कलवर्ट वगैरह और फाइनल आपको जो है शोल्डर तो बनाने पड़ेंगे तो, 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 तो तभी बनते हैं जब आपका रोड कैरिज में कैरिज में ये होता है और शोल्डर आपका जो है ये होता है दोनों तरफ तो. उसके बाहर क्या होता है फिर कर्व और कर्व के बाहर क्या होता है फिर याद आ रहा है कुछ फुटपाथ है ना बता रखा सब खैर वो तो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे टेंशन ना लो तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास सारा का सारा आज का जो कहानी है मैंने आज क्वेश्चन इतने रखे और वैसे भी जो पहला चैप्टर होता है ना फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सॉरी रोड डेवलपमेंट और प्लानिंग इसमें ज़्यादा एरिया नहीं है क्वेश्चन पूछने का जितना एरिया था इससे बाहर कुछ नहीं आता है सबसे पहले उसमें आपको प्लानिंग पैटर्न के बारे में पूछता है उसके बाद आपको जो है जैसे कि आपके अलग अलग रोमन पैटर्न आया आपका टेलफॉर्ड रेस गार्ड इसका ऑर्डर याद रखना है उसके स्लोप याद रखना है उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के तरह तो ट्वेंटी रोड प्लान है उसकी सारी डिटेल याद रखनी है और जो ये क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चनों को भी बेहाल रखना ऑन द टिप्स रखना इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पहले चैप्टर से अगली क्लास जो मैं करूंगा ज्योमेट्रिक डिजाइन पर आधारित क्वेश्चन करूंगा उसमें थोड़ा समय लगेगा चलिए सेशन को खत्म करने से पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ एस एस सी जेई दो का प्री प्लस मीन्स जो लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं जो बाहर से पढ़ना चाहते हैं मतलब घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं सोते सोते लेटे लेटे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक साल की वैलिडिटी है आराम से घर में बैठ कर के खा कर नहा के सो करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से ठीक है ना इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आपको इधर आना पड़ेगा क्लास सुबह आठ बजे उठना पड़े सात बजे उठना पड़े नींद खराब करने पड़े जब मर्जी है तब देखो आप क्लास तो कहने का मतलब इसको वैलिडिटी रखा है एक साल और ये अप्लीकेशन पे चलता है ऑनलाइन अप्लीकेशन पे चलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड अपलोडेड क्लास रहती है जिसमें हम लोग थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं प्रैक्टिस बाद में कराएंगे अभी तो यूट्यूब में चल रहा है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारा माध्यम रहता ही है कहने का मतलब समझाने का आर आर बी जे को जो टारगेट कर रहे हैं ठीक है तो आर आर बी जे को जो टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है जिसमें आप कीमत देख पा रहे हैं ऑफर के साथ ही है एक साल का वैलिडिटी है इसमें और आपको ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग तैयारी करनी है प्री के लिए अलग तैयारी करनी है दोनों जगह एसएससी में भी और इसमें भी एक ही साथ दोनों की तैयारी कराते हैं कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो सेम टू तो सेम तो सेम, तो सेम चलेगा सब कुछ कई लोग सोच रहे हैं कि सर इसमें हमने एक और कोर्स बना रखा है आर आर बी जेई प्लस एस एस सी जेई कॉम्बो कोर्स करके उसकी कीमत थोड़ा सा ज्यादा है तो कोई ऐसा हो सकता है किसी दिमाग में ऐसा चलो मुझे एस भी करना है और आर भी करना है तो वो कोम्बा कोर्स आप कुछ जा सकते हैं ठीक है अब आते हैं कि स्पेशल कोर्स है जो कि मेरा जी का है जिसमें केवल जी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा जिसमें सारे के सारे जो जी के चार सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वो मैं पढ़ाऊंगा इसकी भी वैलिटी एक साल है और इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं पढ़ाता हूँ और ये न केवल आपका एस एस जेई आर इवन आप उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम दे दो जिसमें कि जी पूछा जाता है उसमें सबको वैलिड होगा और मतलब फ़ायदा भी करेगा और साथ ही साथ जो भी वन डे एग्जाम होते हैं खासकर वो सब में फ़ायदा करेगा तो ये है जी कहानी आज तो की ये हमारे अब आपके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के क्वेश्चन है वो कल कराऊंगा आपको ठीक है तो कितने बजे से क्लास रहता है क्लास जो है ऑब्जेक्टिव क्लास मेरी सोमवार मंगल बुध तीन दिन रहेगी रोज अब तीन दिन रोज मेरी क्लास रहेगी और इसमें बहुत सारा आपका क्लियर होती रहेंगी चीज़ें हैं शाम को 8:00 बजे मंगल बृहस्पति शुक्र और शनि को सर सरकी रहेगी कैसी सर की ऑब्जेक्टिव क्लास की बात कर रहे हैं ठीक है और जो क्लासेज हैं भाई वो सेम टू तो सेम जैसे चलती हैं वो चलती रहेंगी थैंक यू वेरी मच आज के लिए किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और जिन लोगों का रिजल्ट खराब रहा है तो उनको अब डरने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है कई लोग अब आतंकवादी हो रहे हैं उग्र विचार आ रहे हैं तो भैया उग्र विचार तो चलो ठीक है हालांकि भाई ये बात तो मैं सोच सकता हूं अंदर उनकी अंतर आत्मा क्या गुजर रहा होगा जिन लोगों ने पढ़ा है और फिर कुछ कुछ नंबर से रह गए वो किसी भी कैटेगरी में हो कुछ कुछ नंबर से रह गए हालांकि उन्होंने मेहनत करी थी अब अप, अपने आप पर लो दूसरे पर मत लो अपने आप पर लो ये सही 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 रास्ता है अपने आप पर लो दूसरे पर लेकर नुकसान आप ही का है समय का नुकसान है पैसे का नुकसान है हालांकि ये बात सच है अगर कि कुछ कार्रवाई होती है तो उसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए अगर आगे कुछ मिलता है कुछ भी चीज़ ठीक है कुछ इलीगल चीज़ मिलती है तो उसमें तो सभी लोगों को आगे आना चाहिए लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसा रख दो अब कि हमें इस लेवल बनाने की कोई तोड़ ना पाए अपना लेवल कदर कर दो ठीक है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है जैसे कि आर तो आना ही आना है चौबीस के लास्ट लास्ट तक का है एस एस सी का तो एग्ज़ाम डेट दे ही रखा है अभी नोटिफिकेशन आने वाला है कल परसों परसोंतीस तक है ना अट्ठाईस उनतीस तक ऐसे ही जैसे कि ड्राफ्ट मैन का आ सकता है तो अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी अपना एक बार लेवल तो तैयार करो है ना कि जो तोड़ ना पाए आपको तो अपना तैयारी करते रहो और अपने एनर्जी को एक अच्छे उस पर लगाओ आप ये समझो कि अगर मेरे इस बार साढ़े चार सौ आए थे या मेरे चार सौ आए थे तो मैं इस कदर करूंगा कि छः सौ लाऊँगा या अगर आपके पाँच सौ आ रहे थे तो ऐसा कदर करो कि सात सौ लाऊँगा ये है कहानी ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और जिन लोगों का नहीं भी हुआ है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों को हवा हाँ हुआ है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ भगवान से भी शुभकामनाएं करता हूँ कि आपका फाइनल भी हो जाए और आपका भविष्य और अच्छा सुधरे है चलिए बढ़िया है बहुत ज्ञान दे दिया नेक्स्ट क्लास का है कि भाई तुम्हारी अब